सत श्री अकाल सारियां, मेरे चैनल एक बार फिर तो स्वागत है। अज आप बना रहे आ रहे हैं बच्चे का काफ्तान, जिदी लंबाई हैगी है 20, लेकिन आप लवेंगे 22 इंच। चौड़ाई जिहड़ी लैनी है आप 13 इंच लीती है चौड़ाई, छोटा बच्चा वा तो वो आप काफ्तान बना रहे हैं। इस तरह फोर फोल्ड करना वा, डबल फोल्ड हो जाएगा तो उपरों भी जिमें कटिया वाला हिस्सा नहीं है, उपरों भी फोल्ड है तो आप कट के हिस्सा मतलब काफ्तान भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिता। पहला आप लवेंगे गले का निशान, ये बैक का गला कट रही हूँ मैं, 2 इंच चौड़ा तो 2.5 इंच डीप हैगा बैक का गला। तो इस तरह बॉक्स बना के आप गले का निशान लगा लेंगे। ठीक है जी, इस तरह आप जी कटिंग कर देंगे, गुलाई मतलब गला कट देंगे, गोल गला कट देंगे बैक गला। तो हुण इहनू सीधा कर लाँगे जी। हुण आपां फ्रंट का गला कटांगे, फ्रंट का गला जिहड़ा हैगा सीगा 4 इंच, तो आप इस तरह निशान लगा के 4 इंच गला कट देंगे फ्रंट का। सिर्फ आप फ्रंट वाले पल्ले नूं ही फड़ना वा, फ्रंट वाला पल्ला सीधा करके तो गला कटना वा, बैक वाला गला बिच नहीं आना चाहिए था, क्योंकि नहीं तो बैक गला भी डीप हो जाएगा। आप सिर्फ फ्रंट वाला गला हले डीप करना वा। लो जी, अपना फ्रंट वाला गला कटिया गया वा, डीप हो गया वा। तो हुण की करना वा, इनू आपा फोल्ड कर लेना वा, देख सकते हो कि सेंटर बना लेना वा, बिल्कुल गले का सेंटर हो जाना चाहिए वा। तो इस तरह जिहड़ा कपड़ा आपा फोल्ड कर लेना वा, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए वा कपड़ा। तो हुण आपा लावांगे जिहड़ा मोढ़े का निशान, मोढ़े का निशान जिहड़ा आपा ला रहे हैं 5 इंच ते ला रहे हैं, तो नीचे वेस्ट का निशान भी 5.5 इंच ते ला रहे हैं। लाइन आपा सीधी ड्रॉ कर लाँगे, डिपेंड करता ना बच्चा कितने साल का वा, तो उस मुताबक तुसी जिहड़ा हैगा साइज़ लै सकते हो। हुण बच्चे की मतलब कितनी लूजिंग पानी आ, जिवें हुण बच्चे की चेस्ट सीगी 27, इहदे विच मैं 3 इंच की लूजिंग पाई आ, यानी कि 30 हो जूगा। ठीक है जी, तो वेस्ट के विच भी 3 इंच की लूजिंग पाऊँगी, तो 30 का अद्ध 15 हो गया, 15 का अद्ध जिहड़ा चौथा हिस्सा मतलब 30 का चौथा हिस्सा 7.5 बन जूगा, मतलब 7.5 आपां चेस्ट का निशान लावांगे। तो हुण जिहड़ा हैगा वेस्ट, वेस्ट हैगी है जी 24 वेस्ट आ, 24 दे विच 3 पावांगे 27, 27 दा अद्धा हो गया 13.5, 13 दा 13.5 दा अद्धा हो गया 6.25। ठीक है जी, 6.25 ते निशान ला दिता वा। ये त्रिकोणा निशान नहीं लगाना, ये मैं जिहड़ा रैंडम जिहा त्रिकोणा ला दिता सी, आपां सीधे निशान लावांगे, वह तुहानूं मैं एंड ते दसूंगी जदों आपां सिलाई करांगे। ठीक है जी, गले ते लेस लगावांगे, इत्थे चारों कॉर्नर ते आपां लेस लगावांगे, नीचे घेरे ते भी लेस आऊगी। तो हुण इहदे लिए गला बनाउण दे लिए मैं रेप पट्टी लिती आ, रेप पट्टी दे इत्थे जॉइंट पा लैणा वा गले ते। तो हुण गले ते आपां पट्टी जिहड़ी हैगी आ रेब, जिवें आपां गोल गले ते पट्टी बना रेब बना के लाने आ लीर, उस तरह आपां गले ते बना लैनी आ। बहुत हल्के हल्के हत्थां नाल जिहड़ी हैगी आ रेब पट्टी खिंचनी आ, पूरी टाइट करके नहीं खिंचनी, हल्की हल्की बस नाल दी नाल घुमाउंदे जाणा वा गोल गले दे नाल नाल। तुसीं देख सकदे हो कि बहुत ही आराम नाल घुम रही है रेब पट्टी, बस इस तरह घुमाउंदे लै के जाणा वा। उम्मीद करती हूँ तुहानू यह वाली वीडियो भी मेरी चंगी लग रही होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो जो चंगी लगी, मेरी वीडियो में लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करियो, ते चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो लो जी, साड़ी रेप पट्टी जिहड़ी हैगी लग गई आ। तो हुण की करना, जिहड़ा आपां गला वा इहदे ते अंदर जिहड़े अंदरले हिस्से ते आपां कट लगावांगे, सारे जिहड़े अंदर वाला हिस्सा जिहड़े आपां सिलाई कीती है इत्थे कट लगा देंगे, छोटे छोटे कट जिहड़े हैगे सिलाई ते नहीं आने चाहिए हैगे। हुण एक फोल्ड करके आपां सिलाई करांगे, जिहड़ी सिलाई लगाई है चाहे उस सिलाई दे उपर ही आ जाए, बट उस तो अगे ना आए। ठीक है जी, पिछे पिछे ही रहनी चाहिए है सिलाई तो। इस तरह सारी जिहड़ी रेब पट्टी है आपां घुमा लाँगे।
हुण साडी रेब पट्टी जिहड़ी घुम गई है इहनू चाहे तुसीं उसे टाइम तरपाई कर लो चाहे कच्चा कर लो, इहनू बस तरपाई कर लैणी आ। हुण इहदे उपर आपां लावांगे गोल गले दे उपर लावांगे लेस। लेस जिहड़ी हैगी है मैं बैक दे गले तो ही ला के स्टार्ट करूँगी क्योंकि इहदे आपां शोल्डर ते आपां कोई जोड़ नहीं पाया हैगा, इसलिए जिहड़ी लेस आपां बैक गले तो भी घुमाउंदे होए लैके आवांगे। तो फ्रंट ते जिहड़ी लेस दी आपां कुर्ता पट्टी बना देंगे छोटी जी। तो इस तरह बहुत हल्के हत्थां दे नाल लेस नूं घुमाउंदे घुमाउंदे नाल नाल गले दे लैके आवांगे। तो सेंटर ते बिल्कुल आपां इक निशान लगा लेना वा ताकि आपां नूं पता लग जाए कि इत्थे आपां कुर्ता पट्टी बनाउणी है इत्थे आके। बस इत्थों एक नोक जी बना के लेस दी आपां नीचे नूं लै जाएंगे कुर्ता पट्टी बनाउण वास्ते। तो कुर्ता पट्टी भी किन्ने इंच लंबी बनाउणी आ वह भी एक बार निशान लगा लियो। मैं 5 इंच लंबी कुर्ता पट्टी बना रही हूँ। जे जिथे तक निशान बनाया वा उत्थे भी एक नोक बना के आपां जिहड़ी हैगी आ लेस दूजी तरफ लै जाएंगे। तो इस तरह आप दूसरी साइड पर भी कुर्ता पट्टी की लेस जिहड़ी हैगी आ घुमाते हुए हम पूरे नैक पर आप लेस कंप्लीट कर लेंगे। हुण लेस दे दूसरी साइड भी आपां एक सिलाई लगा देंगे। हुण जिहड़े सीगे अपने कॉर्नर सीगे आपां उत्ते भी लेस लगावांगे। लेस किस तरह लगानी आ वह दस रही हाँ। जिहड़ा लेस का अंदर वाली साइड ते मूँह रखना वा ते कॉर्नर इस तरह दबा के लेस के उपर इस तरह रख के सिलाई लगावांगे। हुण अपनी जिहड़ी सिलाई लग चुकी आ हुण आपां लेस नूं इस तरह बाहरली साइड ते कढ के बिल्कुल इहदे किनारे किनारे ते इक सिलाई लगा देनी आ। जे तां पट्टी चौड़ी हैगी है तुसीं उत्ते तरपाई भी कर सकदे हो, नहीं तां इक सिलाई इहदे नाल इक पैर दी होर लगा के तुसीं उहनूं उत्थे ही फिक्स कर सकदे हो। तो हुण साडी जिहड़ी हैगी है सारी लेस लग चुकी है। हुणे वेस दा निशान लगाया मैं ते इत्थे आपां लावांगे इलास्टिक। ये थोड़ी जी एडजस्टेबल रहेगी, बिल्कुल वेस ते लगाया वा जिथे अपना वेस दा निशान कमर दा निशान आ रहा वा उत्थे लगाई है ये इलास्टिक पूरे एंड तक थोड़ा जिहा अंदर नूं ले जाके। तो आपां चारों साइड लगानी आ, मतलब फ्रंट ते भी लगानी आ ते बैक ते भी लगानी आ। इस तरह इलास्टिक थोड़ी जी खिच के आपां इह निशान जिहड़ी सिलाई हैगी आ करांगे ताकि इहते गैदर्स पै जाण। तुसीं देख सकते हो कि इह गैदर्स पै रहे ने। ते हुण आपां लगावांगे फिटिंग दी सिलाई। फिटिंग दी सिलाई जिहड़ी काफ्तान दी आ उह सीधे पासे ही लगदी आ ते सीधे पासे मैं निशान लगा लए सीगे। तो इस तरह जिहड़ी काफ्तान की सिलाई आप लगा लेंगे चेस्ट तो वेस तक, वेस तो बिल्कुल घेरे के नीचे, लेकिन साइड तो बिल्कुल आप थोड़ा जहा हिस्सा छड़ांगे तो बिल्कुल सीधी सिलाई आ जाएगी वेस तो बाद। इस तरह ठीक है जी।
जिमें हुण इधर लगाई है उस तरह ही उधर लगाई है। घेरे का जिन्ना हिस्सा इधरों छड़िया वा उन्ना ही तुसी मेज़र करके उधरों छड़ सकते हो। तो इस तरह आपां दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लांगे। लो जी साडा जिहड़ा काफ्ताना रेडी हो चुकिया वा। किवें दी लगी वीडियो जरूर दसियो ते चैनल नूं प्लीज़ सबसक्राइब जरूर कर लियो। बहुत ही आसान आ, तुसीं भी अपने बच्चों लिए इस तरह का काफ्तान कुर्ता बना सकते हो ते घर दे विच ही बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान आ। जे वीडियो तुहाडे लिए जरा जी भी तुहाडे लिए हैल्पफुल हैगी है, तुसीं प्लीज़ मेरी वीडियो नूं सबसक्राइब वीडियो नूं लाइक जरूर करियो, चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो। वीडियो चंगी लगी तो कमेंट जरूर करके दस्सियो कि किस तरह का बनया तो तुसीं अपने लिए बच्चों लिए बनाया। चलो जी मिलते हैं हुण नैक्सट वीडियो के, तद तक के लिए सत श्री अकाल।